बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। ये वो लाइनें हैं जो कानपुर देहात के अमरौधा विकास खंड के बहेरी खुर्द गांव की किरण कटियार पर सटीक बैठती हैं। गांव वालों के लाख विरोध के बावजूद खेती में नया मुकाम हासिल करने वाली किरण ने अपना काम किरण के जरिए फैलाकर समाज के लोगों की सोच बदल दी। मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, सब लोग घर में खेती करते थे तो हम भी उनके साथ मिलकर खेती करने लगे। फिर अपना काम शुरू कर देती हूँ क्योंकि हमें बच्चों की पढ़ाना था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी बाहर की कोई अर्निंग नहीं थी और हम अपना उसी से हमें पूरा खेती पे डिपेंड थी, खेती से पूरा पैसा कमा के उनका काम मतलब बच्चों का और सबका पूरा। तालीम को सिर्फ नौकरी का जरिया मानने वाली महिलाओं और लड़कियों के लिए कानपुर देहात की किरण एक मिसाल है। किरण एमए तक पढ़ी है, कंपटीशन की तैयारी करती तो शायद नौकरी बड़ी ही आसानी से मिल जाती, लेकिन किरण ने लीक से हटकर खेतों में अपना हुनर आजमाया। मैं एमए शिक्षा एजुकेशन से हूँ, हम खेती भी करते हैं उसके साथ और आगे अपना काम करते हैं। मैं स्कूल में भी जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, दोपहर को शाम को निरक्षर साक्षर में भी काम करती हूँ, महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी हूँ। गांव में जितने काम रुकते हैं गांव की महिलाएं आती हैं और बैंक में सब पूरा काम उनके साथ हम उनका करवा। किरण खेतों में काम करती हैं, खुद ही खेतों में खाद डालती हैं, ट्रैक्टर से खेतों की जुताई भी करती हैं। इतना ही नहीं, लोगों को जैविक खेती के लिए जागरूक भी कर रही हैं। जब इन सब कामों से समय बचता है तो वे गांव की अनपढ़ महिलाओं को शिक्षित भी करती हैं। आज किरण ने पूरे गांव की काया ही पलट दी है। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपना मतलब खुद से अच्छे बने और किसी के दबाव न रहे, खुद अपना काम करना सीखे, यही मैं सोचती हूँ। अपना अधिकार लेने में उनको आगे बढ़ना चाहिए और लेना चाहिए अपना आगे अधिकार काम करके। किरण ने अपने गांव में लोगों को साक्षर करने का काम भी किया है, अनपढ़ महिलाओं को खाली समय में पढ़ाया और उन महिलाओं को समाज में खड़े होने के लायक बना दिया है। बहू आई थी तो वह पढ़ी लिखी थी, बहुत मदद मिलता है और हम बैंक जाते हैं तो सब काम कर लेते हैं, लिखा पढ़ी को काम सब सिखाया था इन्होंने सिखाया है बहू ने। और इन्होंने एक प्रेरक वो चलाया ना प्राइमरी में, प्रेरक का काम किया और गांव की जो अनपढ़ मतलब कम पढ़ी लिखी अशिक्षित है थोड़ी, उन्हें पढ़ना सिखाया लिखना सिखाया, वो जाके बैंक में जाके अपना खुद काम कर सकती हैं, थोड़ा पढ़ सकती। किरण के पति राकेश कटियार का कहना है कि 1991 में उनकी शादी हुई थी, कुछ समय बाद उनके घर की स्थिति अचानक बिगड़ गई, तब किरण ने ही उनका साथ दिया था। किरण के जज्बे और हिम्मत को देखकर हर कोई उन्हें सलाम करने को मजबूर हो जाता है, ऐसे में उनके लिए चंद अल्फाज याद आते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, जिस जिस पर जग ये हंसा है उसने यहाँ इतिहास रचा है।